और साड़ी को हैंगर में लगाना बताएंगे, आपकी साड़ी कभी नहीं गिरेगी हैंगर से। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला टिप्स है इस तरीके की साड़ी को लेकर के। दोस्तों क्या होता है कि जब हम भारी भरकम साड़ी लगाते हैं या फिर कोई मोटी साड़ी जैसे सिल्क वाली लगाते हैं तो हैंगर से ये गिर जाता है। और क्यों गिर जाता है कि एक तरफ भारी हो जाता है और दूसरी तरफ फिसल जाता है। जैसे जो सिल्क वाली होती है वो बहुत ही तेजी से फिसलती है और वो फिसल करके गिर जाती है। तो हैंगर में हम जब ऐसे लगाते हैं तो वो ऐसे धीरे धीरे करके गिर जाती है। एक कपड़ा हम निकालते हैं तो दूसरी साड़ी हमारी गिर ही जाती है। इसके लिए आज हम आपको एक छोटा सा टिप्स बताएंगे। इस तरीके से अगर आप अपने साड़ियों को रखेंगे तो आपकी साड़ी कभी नहीं गिरेगी। आपको क्या करना है, लेना है इस तरीके का क्लचर जो हम बालों में यूज करते हैं। पुराना हो जाता है या रीयूज हो जाता है, इसे हम फेंक देते हैं। लेकिन आपको फेंकना नहीं है, ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको ये क्लचर लेकर के इसमें इस तरीके से ऐसे फंसा देना है। थोड़ा टाइटली फंसाएंगे तो ये देखिए अब आपकी साड़ी एक जगह पर फिक्स हो जाएगी, कतई नहीं गिरेगी। आप चाहे जितना गिराएंगे ये नहीं गिरेगी। जब तक आप क्लचर नहीं निकालेंगे तब तक आपकी साड़ी नहीं गिरेगी। आई होप कि आपको यह टिप्स पसंद आया होगा। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए चलते हैं हम अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स हमारा है इस तरीके के ज्वेलरी पर्स को। ज्वेलरी पर्स में हम ज्वेलरी रखते हैं और पैसे रखते हैं। आज हम आपको इसका एक अलग तरीका बताएंगे आप इसे कैसे यूज करेंगे। इसके लिए आपको लेना है एक ज्वेलरी पर्स और उसके बाद आपको लेना है ये डबल साइड वाला टेप। दोस्तों आपको इतना बड़ा टुकड़ा, थोड़ा बड़ा ही टुकड़ा आपको लेना है और इसे आपको निकाल लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पीछे ज्वेलरी पर्स पे लगा देना है जिस तरफ नाम वगैरह लिखा है। और उसके बाद आपको इसे कहाँ पर चिपकाना है, आप जहाँ पर लेटते हैं वहाँ दीवार पर चिपका दीजिए या फिर बेड के पास में चिपका दीजिए। और इसमें होता है, इसमें क्या रखते हैं, किस लिए इसे यूज करते हैं, जैसे दोस्तों किसी किसी को पसंद नहीं होता सोते समय गहने पहन करके सोना, या फिर किचन में काम करते समय अंगूठी वगैरह निकाल करके रखना होता है। आटा गूंथते समय इसमें आटा घुस जाता है और जो कि निकालने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आप इसमें डाल करके रख देंगे। यह रखने से आपके जो ज्वेलरी होंगे वो एकदम सेफ रहेंगे, उसे कहीं इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आप इधर उधर ढूंढेंगे नहीं, बस तुरंत आएंगे, तुरंत अपना ज्वेलरी निकाल करके पहन सकते हैं। आई होप कि आपको यह टिप्स भी पसंद आया होगा। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों टिप्स छोटा छोटा जरूर है लेकिन आपके बहुत ही कमाल का है। चलिए चलते हैं हम अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स हमारा है इस तरीके के साबुन को लेकर के। दोस्तों साबुन में केल धसाना है। केल धसाते ही क्या होता है हम आज आपको बताएंगे। दोस्तों इस तरीके का कोई भी एक साबुन ले लेना है जो हम यूज करते हैं और उसके बाद इसमें केल को धसा देना है। बहुत ही आसानी से केल धंस जाएगा, ये देखिए आर पार हो गया। और उसके बाद आपको केल को धीरे से निकाल लेना है। ध्यान रहे कि साबुन आपका टूटना नहीं चाहिए। और उसके बाद आपको ले लेना है कोई धागा, और इसमें धागे या सुई की मदद से भी डाल सकते हैं और वैसे भी डाल सकते हैं। और उसके बाद धागे के दोनों छोर को पकड़ करके गांठ लगा देनी है। इस तरीके से जब आप गांठ लगा देंगे तो ये आपका बहुत ही अच्छे से साबुन बन करके रेडी हो गया। साबुन में कील धसाने से अब क्या होता है चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों क्या होता है, जब हम वॉश बेसिन में साबुन रख देते हैं, साबुनदानी में भी रखते हैं, तो फिर भी पानी थोड़ा बहुत रहता है और साबुन हमारा बहुत ही तेजी से गलता है और बहुत ही बर्बाद जाता है। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें हाथ धोना हो तो इस तरीके से यूज करना है। और उसके बाद सिंक के ऊपर कोई इस तरीके की कील होगी, उसमें आपको इसे टांग देना होगा। इससे ये होगा कि इसमें कोई भी थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पानी नहीं होगा, ये बहुत ही आसानी से इसका सारा पानी निकल जाएगा और ये साबुन आपका सूख जाएगा। जो साबुन आपका 15 दिनों तक चलता था
वो साबुन अब आपका एक महीने तक चलेगा। आई होप कि आपको यह साबुन में कील गाड़ने वाला टिप्स भी पसंद आया होगा। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। साबुन में सिलाई करने से क्या होता है, सिलाई करने से क्या कमाल होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों क्या होता है कि जब हम इस तरीके के पैंट यानी कि जींस वाले पैंट हो गए या फिर कोई भी मोटा कपड़ा सिलने चलते हैं तो सुई उसमें जल्दी से धंसती नहीं है, बहुत ही मशक्कत के बाद हम सिलाई कर पाते हैं। इसके लिए आज हम आपको एक छोटा सा टिप्स बताएंगे, आप बहुत ही आसानी से मोटे कपड़े को सिल पाएंगे। क्या करना है आपको, ले लेना है नहाने वाला साबुन। नहाने वाला साबुन जो होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये चिकना होता है, इसे आपको ले लेना है और इसमें जो है इस तरीके से सुई को धसा देना है। इससे ये होगा कि सुई चिकना हो जाएगा और इस तरीके से आपको इसमें सुई को धसाना है और फिर ऊपर की तरफ से निकाल लेना है। इस तरीके से आपको डालना है। अगर आप चाहें तो दो तीन बार सिल सकते हैं, नहीं तो एक ही बार में काम चल जाएगा। और उसके बाद आपको धागे को निकाल लेना है। इससे ये होगा कि धागे में भी चिकनाहट आ जाएगी और सुई में भी चिकनाहट आ जाएगी। और उसके बाद आप जब भी सुई से सिलेंगे, ये देखिए बहुत ही आसानी से आप सिलाई कर पाएंगे। ये देखिए अब आपको बिल्कुल भी झंझट करने की जरूरत नहीं है, आप मोटे से मोटे कपड़े में सिलाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम कथरी वगैरह सिलते हैं तो बहुत ही मोटी परत हो जाती है, उसे भी सिलने में हमें बहुत दिक्कत होती है, तो इस टिप्स द्वारा आप कथरी को भी सिल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया होगा। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर। दोस्तों क्या कभी आपने पर्स में साबुन, नहाने वाला साबुन रखे हैं? नहीं रखे हैं तो एक बार जरूर यह ट्राई करें, यह बहुत ही कमाल का टिप्स है, इसे आप एक बार जरूर देखिए। दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम इस तरीके का पर्स मार्केट या कहीं पर भी लेकर जाते हैं तो इसका जो चैन है वो सही से चलता नहीं है, वो अटक जाता है बीच में। खुला है तो खुला रहेगा, बंद है तो बंद ही रहेगा, खुलेगा ही नहीं, ये बार बार ये समस्या होती है। इस तरीके के चैन में तो बहुत ही ज्यादा होती है, इसे हम खोलते हैं बंद करते हैं लेकिन ये बार बार खुलती नहीं है, बंद नहीं होती है। इसका जो चैन है ये वाला बार, ये रुक जाता है, यानी कि इस पर चैन ये अच्छे से चल ही रही बार। तो इस तरीके से जब ये चैन अटक जाता है तो ये हम बेकार पर्स समझ करके फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको लेना है ये नहाने वाला साबुन। ये एकदम सॉफ्ट होता है, बहुत ही सिल्की होता है और बहुत ही इसमें चिकनाहट होती है। आपको इस साबुन को इस पर हल्का सा रगड़ देना है, इससे रब करेंगे तो इससे ये जो चैन बहुत ही भारी चल रही थी ये बहुत ही आसानी से चलेगी। तो इस तरीके से जब आप रगड़ देंगे तो आपकी चैन अटक अटक कर नहीं चलेगी, बहुत ही आसानी से चलेगी, इस तरीके से चलने लगेगी। आप इसकी जगह पर मोमबत्ती भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास हो तो आप मोमबत्ती भी लगा सकते हैं। लेकिन मोमबत्ती से होता यह है कि एक बार सही हो जाएगा लेकिन फिर भी बाद में ये फिर ऐसी दिक्कत आने लगेगी। साबुन जो होगा इसकी मदद से बहुत ही अच्छे से आपका चैन काम करने लगेगा। आई होप कि आपको यह टिप्स भी पसंद आया होगा। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इस चैनल की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।